नाभि स्थान एक ऐसा स्थान है जिसे तंत्र में अग्नि तत्व कहा जाता है और आपको बता दें कि नाभि का ही इस्तेमाल करते हुए जीवन में बहुत सारे कार्यों को किया जा सकता है क्योंकि नाभि में एक अद्भुत गजब की शक्ति वास करती है। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे जो आपके बहुत ही ज्यादा काम की है और इसे जानकर आप अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को भी समाप्त कर सकते हैं क्योंकि नाभि शरीर का एक ऐसा हिस्सा होता है जो माँ के पेट में सबसे पहले जुड़ता है। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले केवल उसकी नाभि ही बनती है, इसीलिए नाभि में गजब की शक्तियाँ मौजूद रहती हैं। बल्कि ऐसा भी कहा जाता है जब भी किसी व्यक्ति के प्राण निकलने वाले होते हैं तो तब भी उसका सारा ध्यान नाभि पर ही पहुँच जाता है। यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो नाभि ही पृथ्वी पर आने का प्रवेश द्वार है और नाभि में भगवान विष्णु का और माता लक्ष्मी का स्थान बताया जाता है। तो ध्यान से इस जानकारी को सुनते रहें जिससे संपूर्ण बातें आपको समझ में आ सके, क्योंकि अगर कोई भी बात को आप मिस करते हैं तो ये जानकारी फिर आपके कोई भी कार्य की नहीं रहती है। क्योंकि तंत्र के जितने भी प्रयोग होते हैं, जितनी भी जानकारी होती है, उन्हें बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक सुनना चाहिए, तभी उनका लाभ उठाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दें जिससे भगवान शिव की कृपा परमेश्वर बनी रहे। तो दोस्तों आपको बता दें कि नाभि के ऊपर के दो उंगली यानी के नाभि से दो उंगली ऊपर मणिपुर चक्र बताया जाता है और नाभि से नीचे का जो स्थान होता है वहां पर स्वाधिष्ठान चक्र होता है और ये दोनों ही चक्र बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और खास होते हैं। खास करके अगर आप अपने जीवन में सांसारिक सुख की प्राप्ति करना चाहते हैं, हमेशा निडर बन के रहना चाहते हैं, तो ऐसे में मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र ताकतवर होना बेहद आवश्यक है। जिन लोगों का अग्नि तत्व यानी कि मणिपुर चक्र बलवान रहता है तो ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर एक गजब का ही तेज होता है। तो जिस भी व्यक्ति की आंखों में आंखें डालकर कुछ बातें बोलता है तो सामने वाला स्वयं ही उसके आकर्षण में सम्मोहन में बन जाता है, क्योंकि मणिपुर चक्र होता ही इतना बलवान है कि इसके माध्यम से असाध्य कार्य भी बड़ी आसानी से किए जाते हैं। स्वाधिष्ठान जो होता है वह जल का केंद्र है और जो मणिपुर चक्र है वह अग्नि का केंद्र है। बल्कि अगर किसी व्यक्ति में अग्नि तत्व अधिक होता है, उसकी अग्नि तत्व प्रभाव में होता है, तो ऐसा व्यक्ति बड़ी आसानी से कहीं पर भी अपने आप को सिद्ध कर लेता है। यानी कि जहां भी वह जाता है सभी लोग उसकी बात मानते हैं, एक बॉस की तरह उसका एटीट्यूड होता है। दूसरी बात यह है कि वह बहुत कम बीमार पड़ता है, लेकिन अग्नि तत्व ज्यादा होने की वजह से वह छोटी छोटी बातों पर क्रोध भी अधिक कर सकता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने क्रोध को चैनलाइज करना सीख जाए तो उसी ताकत को वो धन कमाने में भी इस्तेमाल कर सकता है। तो दोस्तों अब तो आप जान ही गए होंगे कि कितना ज्यादा शक्तिशाली मणिपुर चक्र और स्वाधिष्ठान होता है। स्वाधिष्ठान के माध्यम से संकट वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि अचानक से अगर आप संकट में फंसते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र यानी कि जल केंद्र के माध्यम का इस्तेमाल करते हुए सभी प्रकार के संकट को भी मात दी जा सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लें कि नाभि केंद्र जो होता है केवल यही शरीर का मुख्य स्थान होता है। तो आपको आज से केवल इतना करना है कि जिस प्रकार नमस्ते की जाती है उसी प्रकार जैसे चेस्ट पर हाथ रखते हुए नमस्ते की जाती है, यही नमस्ते आपको अपने नाभि चक्र पे रख देनी है। यानी कि नाभि पर नमस्ते बनाते हुए आपको लेट जाना है। किसी भी चटाई पर, किसी भी सोफा पर, किसी भी बेड पर बैठकर ये प्रयोग आसानी से किया जा सकता है और जब आप इस प्रयोग को करेंगे तो स्वयं देखेंगे कि कितना ज्यादा शक्तिशाली आप महसूस करने लगेंगे। क्योंकि ये दिखने में तो बहुत आसान है लेकिन अभी इसे आप स्वयं खुद करके देख सकते हैं कि अगर आपके दिमाग में बहुत ज्यादा विचार ख्याल चलते ही रहते हैं और बिल्कुल भी आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आपको डर चिंता बहुत ज्यादा अधिक सताती है, तो तुरंत आप अभी इसे करके देखें। क्योंकि आकाश तत्व से तुरंत नाभि केंद्र में ऊर्जाएं जुड़ जाती हैं जिससे नाभि केंद्र प्रभाव में आ जाता है और बलवान हो जाता है। और जैसे ही नाभि केंद्र प्रभाव में आता है तो उस समय व्यक्ति का एक प्रोटेक्शन चक्र कार्य करने लग जाता है। ये जितनी भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं ये तंत्र से जुड़ी हुई जानकारी है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि हम अपने चैनल में हमेशा खास चीजों को आपको बताते हैं। तो इनको बिल्कुल ध्यान से सुना करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखा करें और बेल बटन भी जरूर दबा कर रखा करें जिससे कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हुआ करे। तो दोस्तों आपको करना इस प्रकार है कि बेड या सोफा या किसी भी चटाई, किसी भी फर्श पर लेट जाना है और अपनी नाभि पर नमस्ते का साइन आपको बना लेना है। यानी कि नमस्ते करके हाथों को अपनी नाभि पर रख देना है और आंखें बंद करके इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र इस प्रकार है, बड़ा ही आसान सा भगवान विष्णु का यह मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको ये भी बता दें कि सांसारिक सुखों की जो प्राप्ति होती है वह भगवान विष्णु की सहायता से प्राप्त होती है
और हर एक व्यक्ति की नाभि में भगवान विष्णु का वास बताया जाता है, क्योंकि सभी की नाभि में अग्नि तत्व होता है, मणिपुर चक्र होता है और मणिपुर चक्र भगवान विष्णु का स्थान होता है। बस इस प्रकार आपको करना है, नमस्ते को ऐसी बनाए रखना है और जिस भी चीज को आप चाहते हैं, जैसे कि आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी हुई परेशानी है तो धन के बारे में आपको सोचना है। जैसे कि अगर आप कहीं पर जाते हुए डरते हैं, कहीं पर बोलते हुए कुछ डरते हैं या किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो उन्हीं सब परेशानियों के बारे में आपको सोचना है। आपको ये भी बता दें कि जब इस प्रकार आप करते हैं तो केवल सकारात्मक ही आपको सोचना है, क्योंकि अग्नि तत्व जो होता है वह शत्रुओं को भी हानि पहुंचा सकता है। और जैसा कि हम आपको हर एक वीडियो में बताते हैं कि किसी का भी आपको ना तो बुरा करना चाहिए ना ही बुरा सोचना चाहिए, क्योंकि एक बार को अगर आप बुरा कर भी लेते हैं तो उसकी भरपाई अवश्य ही करनी पड़ती है। और ये हर एक चीज में बताया जाता है, कर्मों में भी बताया जाता है कि जो आप देते हैं वही आपको लौटकर मिलता है, तो आप वही दें जो आप खुद पाना चाहते हैं। तो आपको दूसरे के लिए प्यार वाले ख्याल सोचने चाहिए जिससे दूसरों का कल्याण हो सके, सभी में प्रेम फैल सके। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको सोचनी चाहिए, चाहे आपको कोई कितना भी परेशान करे। अगर कोई आपको परेशान करता है लेकिन फिर भी अगर आप उसे परेशान नहीं करते हैं, वहाँ से हट जाते हैं, तो जो भी परेशानी वो आपको देना चाहता है वो उसे तुरंत ही उसे स्वयं ही मिलने लग जाती है। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखा करें, ये बड़ी ही ज़्यादा खास जानकारी वाली बातें होती हैं। अब इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चंदन होता है, चंदन का इत्र होता है, चंदन का जो पेस्ट होता है, ये भी नाभि पर लगाया जा सकता है। इसे भी नाभि पर लगाने से नाभि केंद्र प्रभाव में रहता है, शक्तिशाली होने लग जाता है। इससे ये प्रभाव होता है कि नाभि जैसे ही प्रभाव में आती है तो सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि मानसिक शांति दो गुना अधिक बढ़ जाती है। जिन लोगों के दिमाग में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है उनको प्रतिदिन ये क्रिया 4 बार अवश्य ही करनी चाहिए। इससे मात्र 4 दिन में ही लाभ प्राप्त होता है। अब दूसरी चीज ये है कि अगर आपके जीवन में धन की समस्याएं हैं, कर्ज में आप डूबे हुए हैं, तो आपका इसका मतलब मणिपुर चक्र बिल्कुल ही खराब है, यानी कि बिल्कुल भी प्रभाव में नहीं है। क्योंकि जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र प्रभाव में होता है ऐसा व्यक्ति जहां भी रहता है वह बिल्कुल धन कमाता ही रहता है, बल्कि अगर वह बूढ़ा भी हो जाता है तब भी धन कमाता ही रहता है, क्योंकि मणिपुर चक्र होता ही इतना शक्तिशाली है, इतना क्रिएटिव उस व्यक्ति को बना देता है कि वह शांति से बैठ ही नहीं सकता है। यही चक्र जो होता है यहाँ पर गुरु का भी वास बताया जाता है। वैसे तो 10 महाविद्याओं में इस चक्र का इस्तेमाल भी किया जाता है जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन इस जानकारी के बारे में भी आने वाले वीडियोस में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार अलग अलग साधना में अलग अलग चक्रों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ साधनाएँ होती हैं, बहुत ही तीव्र और बहुत ही शक्तिशाली होती हैं, क्योंकि जब तंत्र साधना के साथ मंत्र साधना को जोड़ दिया जाए या फिर मंत्र के साथ तंत्र को भी जोड़ दिया जाए तो वो चीज़ें कभी फेल हो ही नहीं सकती हैं। और ये जितने भी चक्र होते हैं ये तंत्र से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए जो भी व्यक्ति तंत्र जानता है वो अपने मन पर बड़ी आसानी से काबू पा भी लेता है, क्योंकि वह जानता है कि कौन सा चक्र किस प्रकार की नाड़ी पर प्रभाव डालता है। बस उन्हीं चीजों को वो सुधार लेता है और उसके मन उसके काबू में आ जाता है, और जिसका मन काबू में रहता है केवल वही तंत्र को भी कर सकता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमने आपको बताया ये बड़ी सरल सी लेकिन बहुत ही ज़्यादा तीव्र और प्रभावशाली प्रयोग है। केवल अभी 15 मिनट के लिए आप ऐसे लेट जाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो कुछ करना है नहीं, केवल लेटना है। तो आप लेट कर इसे बड़ी आसानी से 15 से 20 मिनट आधे घंटे तक बस इस प्रयोग को करके देखें और खुद ही आपको लाभ देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि जैसे ही आप ऐसे करते हैं, जो नमस्ते होती है, जो हाथों की सारी उंगलियां ऊपर की ओर पॉइंट करती हैं, तो इससे तुरंत आकाशीय एनर्जी से आपकी उंगलियां जुड़ जाती हैं, और जब ये हाथ नाभि पर रखा होता है तो तुरंत नाभि में शक्तियां ट्रांसफर होने लग जाती हैं। जैसे ही इसे आप करेंगे तो आज आप खुद देखेंगे कि बड़ी शांति की नींद आपको आज जरूर आएगी और बहुत ही सुख से आप सुबह उठ पाएंगे। और बस जैसे ही आपके साथ ऐसा होने लगे तो आप जान जाएं कि कितना शक्तिशाली ये प्रयोग है। अगर आपका मणिपुर चक्र बहुत ही ज़्यादा दूषित है तो इस प्रयोग को कार्य करने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं, यानी कि 1 सप्ताह तक लगातार आपको इस प्रयोग को करना है। आने वाले वीडियोस में और भी ज़्यादा खास जानकारी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य दबा कर रखें और इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें अन्य लोगों के साथ, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।